इन वीरों की स्मृति में हम प्रगति की ओर बढ़े चलते हैं। इन वीरों की स्मृति में हम प्रगति की ओर बढ़े चलते हैं। उगता है सूरज शान से चाहे कितने भी दिन ढलते हैं। उगता है सूरज शान से चाहे कितने भी दिन ढलते हैं। अपने देश की रक्षा इन वीरों के कारण होती है। अपने देश की रक्षा इन वीरों के कारण होती है। तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है, सुख चैन की नींद सोती है। नमस्कार, मैं ईशा प्रिया, कक्षा 12वीं आ की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय नगरोटा जम्मू से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ। विकास के पथ पर भारत निरंतर बढ़ता जाता। विकास के पथ पर भारत निरंतर बढ़ता जाता। 75 वर्ष की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाता। याद कर शहादत वीरों की गर्व से भर जाता। सहेजे अपनी संस्कृति को आज़ादी का महोत्सव मनाता। आज़ादी का महोत्सव मनाता। अगर कोई हमसे पूछे आज़ादी को अपनी जान से भी बढ़कर किसने समझा, तो हमारी जुबान पर तुरंत चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आ जाता है। मगर इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी ही दास्तां मिलती है। प्रीति लता वादेदार की, जो अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गई। 5 मई 1911 तत्कालीन बंगाल के चटगांव में जन्मी प्रीति लता वादेदार का बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों की ओर झुकाव था। कॉलेज में आकर उनके विचारों को और भी मजबूती मिली। नतीजा यह हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते ब्रिटिश अधिकारियों ने कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रीति लता की डिग्री पर रोक लगा दी। दिलचस्प बात तो यह है कि 1932 में अंग्रेजों द्वारा रोकी गई तब की डिग्री 2012 में जाकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायणन के पहल पर 80 साल बाद जारी की गई। खैर, इसके बाद प्रीति लता वापस चटगांव लौट आई और एक बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। इस समय उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन अर्थात मास्टरदा से हुआ। इस परिचय के बाद प्रीति लता की क्रांतिकारी विचारों को और हवा मिली। मास्टरदा ने प्रीति लता को बंदूक आदि चलाने की प्रशिक्षण भी दी। 18 अप्रैल 1930, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA का गठन हुआ, जिससे पूरे बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इस दिन सूर्यसेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्र गृह को लूटकर अंग्रेजी शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। अब बात साल 1932 की। पहाड़ तली यूरोपियन क्लब में एक बोर्ड लगा था जिसमें साफ लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। साफ था, भारतीयों की तुलना कुत्तों से की गई थी। फिर क्या था, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए योजना बनाया गया और 23 सितंबर की शाम प्रीति लता अपने कुछ साथियों के साथ क्लब पर हमला बोल दिया। मगर इस दौरान प्रीति लता को भी गोली लगी। पकड़े जाने के बजाय उन्होंने साइनाइड की गोली खाकर शहीद होना बेहतर समझा। प्रीति लता वादेदार 1857 के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता के लिए हुई किसी सहस्त्र विद्रोह में शहीद होने वाली पहली महिला थी। ना तोड़ सके कोई बाहरी हमें, ना तोड़ सके कोई बाहरी हमें, ऐसा मजबूत हमको बन जाना है। ऐसा मजबूत हमको बन जाना है इस आर्यव्रत के कोने कोने में। इस आर्यव्रत के कोने कोने में हमें राष्ट्रध्वज फहराना है। हमें राष्ट्रध्वज फहराना है। धन्यवाद।